Hey guys, good evening and welcome back to my YouTube channel मंजना भारद्वाज। तो guys ये है शाम का बहुत ही बेहतरीन व्यू और आसपास बहुत ही ज़्यादा धुआं उड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे चली है धान की कटाई। क्या हाँ इस तरह की हाँ धान की कटाई हो रही है और बहुत कुछ होता है गांव में, तो बहुत काम होते हैं। और ये शाम का व्यू था और मॉर्निंग में ना मैंने एक्सरसाइज की थी बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं आप लोगों के, मैं भी बताती हूँ कि क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजना भारद्वाज। तो गाइज मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, खासकर बेली फैट के लिए कि बेली फैट कैसे हम 4 दिनों में, आप बोल रहे हो कि आपने 4 दिनों में कम कर लिया था तो कैसे कम कर लिया था, कौन सी एक्सरसाइज आपने की है, और आप बोलते हो कि 15 किलो कम किया है तो कैसे कम किया है हमें भी बताओ। तो गाइज मैं बहुत बार, मैं इवन हर वीडियो में ही बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे 15 किलो घर पर कम किया है और कैसे मैंने जो है अपना पेट 4 दिनों में अंदर कर लिया था। तो इसके लिए मैंने कुछ टिप्स भी अपनाए हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में, मैं टिप्स भी ज़रूर बताती हूँ क्योंकि रोज़ नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको अवेयर करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं टिप्स भी बहुत बार बता चुकी हूँ और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगी जो आपको वाकई में 4-5 दिनों में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी, पेट भी आपका अंदर चला जाएगा, अगर बाकी बॉडी का फैट है वो भी कम हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप सीरियस हो कि मुझे वेट घटाना है एट एनी कॉस्ट, मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो आपने क्या करना है, रात का डिनर स्किप कर दो। डिनर की जगह आप ओनली सैलड की डाइट लो, सलाद खाओ, कोई खीरा वगैरह काट के खा लो या कुछ चुकंदर सेब वगैरह काट के खा लो। रात का खाना छोड़ दो आप, ठीक है, कुछ दिनों तक। ये नहीं कि आपको पूरी उम्र ही रात का खाना छोड़ना है, एक दो वीक तक छोड़ दो, उसके बाद आप शुरू करो खाना, थोड़ा हल्की क्वांटिटी में खाना खाओ। जैसे कि आपको रात को कुछ हल्का सा खाना है, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना कि जिससे आपसे चला भी ना जाए, हल्का फुल्का आपको खाना है। जैसे दाल चावल खा लिया, चावल की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखी, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, चावल की क्वांटिटी और रोटी की क्वांटिटी कम की, बाकी आप दाल सब्जी खूब खा सकते हैं, कम तेल में अपना खाना बनाओ। बट 1-2 हफ्ते तक आप डिनर स्किप कर दो, बाकी दिन में आप 3 टाइम या 4 टाइम खाना खा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं आपको बीच बीच में काफ़ी बार बताती हूँ, काफ़ी सारे पूछते हैं कैसे क्या करें, बताओ आपने कैसे कम किया कैसे कम किया। मैं यही चीज़ें फॉलो की हैं, मैं घर का खाना खाती हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाती, तली हुई मैदे वाली चीज़ें मैं आज भी नहीं खाती हूँ, इवन मेरा वेट कम हो चुका है तब भी मैं बहुत परहेज करती हूँ, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। जैसे आजकल लोग बहुत फैन है बाहर का खाने में, बाहर का कुछ भी, पिज़्ज़ा बर्गर मोमो मैदे वाली चीज़ें बहुत कुछ खाते हैं बाहर का, तो मैं वो कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ। और मैं डाइट अच्छी लेती हूँ, मैं डाइटिंग नहीं करती, मेरी डाइट में ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत होती हैं। जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा हुआ है जिसमें मेरे एलमंड्स हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, और उसमें भुने हुए चने भी बहुत हैं। बच्चों की बॉल आ गई, बॉल आ गई थी ऊपर, बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो भुने हुए चने हो गए, खसखस, और मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ ऐसी जो कि हमारी हड्डियाँ मजबूत करती हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। मैंने काजू नहीं डाले हैं क्योंकि काजू में भी बहुत फैट होता है, तो मैंने अखरोट, बादाम, भुने हुए चने, मखाने और इन चीज़ का पाउडर बना के रखा है। दूध में मैं भर भर के 3 चम्मच डाल के दूध पीती हूँ। दूध मेरा जो होता है वो टोंड दूध होता है, वो फुल क्रीम दूध नहीं होता, टोंड मैं खुद घर पे बनाती हूँ उसकी। रात को उबाल के सुबह जो मलाई होती है उसको निकाल देती हूँ और बाकी वो फिर बन जाता है टोंड दूध, उसको गर्म करके मैं पी लेती हूँ। और मैंने जब अपना वेट कम किया था तो मैंने रात का डिनर नहीं लेती थी मैं स्टार्टिंग में। मैंने क्या किया कि सिर्फ 1-1.5 हफ्ते तक मैंने डिनर बंद कर दिया था, तो मेरा वेट उससे मुझे बहुत तेज़ी से रिजल्ट आए और मैंने एक्सरसाइज भी साथ में की। ये नहीं है कि अगर हम डिनर स्किप कर देते हैं तो हमारा वेट कम हो जाएगा, नहीं, एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। तो आ जाओ बताते हैं कौन सी एक्सरसाइज करनी है। हर किसी का यही क्वेश्चन है, पेट पेट पेट, तो चलो पहले पेट के लिए बताते हैं।
ये इस तरह से एक हाथ कमर के ऊपर रख लिया, एक इधर रख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब इस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस एक्सरसाइज के टोटल आपको 100 तक रोज करने हैं और कंटिन्यू आपको 20, 30 या 40 कर लेने हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेनी है, दोबारा से आपने जो है इसके 20, 30, 40 करके जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है 100 तक इसके कंप्लीट कर लेने हैं। 100 सारी एक्सरसाइज के करनी है। योगी हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो कि आपका पेट बहुत तेज़ी से अंदर कर देगी। अब हम करेंगे सेकेंड वाली, ब्रीद इन ब्रीद आउट। हमेशा पेट की दिक्कत आती है ना, ऐसे खड़े हो जाओ और हाथ ऐसे कर लो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमारी सेकंड वाली एक्सरसाइज है जो कि अगेन हमारा पेट बहुत जल्दी अंदर करेगी, आर्म्स फैट है उसको भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। इसके भी आपको रोज 100 करने हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी है, कैपेसिटी है, 100 से ऊपर भी आप कर सकते हैं, 120, 150 या 200, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओके, थोड़ा सा मैं भी कर लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसके मैंने कर लिए टोटल 40 सेट किए हैं मैंने, क्योंकि मैं सुबह अपना वर्कआउट कर चुकी हूँ, ये मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके, ये जो एक्सरसाइज है ना, पेट भी अंदर करेगी, आर्म्स फैट भी ख़त्म करेगी, साइड के टायर भी ख़त्म करेंगी, ठीक है। और एक है इस तरह से जो हमारे यहाँ फुल बॉडी फैट लॉस करेगी, इस तरह से कर लेने हैं अपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हम इस तरफ से घूमें ना, अब 10 हम इस तरफ से घूमेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप चाहो तो 5, 5 भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा ना आपका सर घूम सकता है, ठीक है। 5, 5 भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी की फैट लॉस करेगी, अपर जितना भी आपका फैट है सारा ख़त्म कर देगी। कोई पेट नहीं बचेगा, कोई साइड के टायर नहीं बचेंगे, कोई आर्म्स फैट नहीं बचेगा, कोई पीठ का फैट नहीं बचेगा। 10-10 करके करो या 5-5 करके करो, थोड़ी सी रेस्ट ले लो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो गाइस, आप जितना भी झुक सकते हैं उतना झुकना है, बाकी बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज हैं। पेट के साथ साथ ना सब कुछ अंदर चला जाएगा,
अभी देखो कितना धुआं उठ रहा है। अभी यहाँ पे खेतों के काम लगे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा खेतों के काम लगे हैं। तो गाइस मैं आपको वही एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि मैं डेली करती हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इनके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं, उन्होंने अपना 15 किलो कम कर लिया है। अब वो घबरा रही हैं कि मैं और कम करूँ या ना करूँ। तो वेट तो कम आपका होगा अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स फॉलो करेंगे, जैसे मैं बोलूँगी वो खाओगे और एक्सरसाइज रोज़ करोगे। ठीक है, लास्ट में आपने क्या करना है, ये 3-4 एक्सरसाइज आपने कर ली, लास्ट में थोड़ा सा कूद लो यार, कूदने में क्या जाता है, थोड़ा सा कूदना है, हैवी वेट है, 5 सेट ही करो, ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5, 35, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। ठीक है, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस तरह से कूद लो लगातार, 10 कर लो, 20 कर लो, थोड़ी सी रेस्ट लो, और इसी तरह आपने 100 कंप्लीट कर लेने हैं। ये चीज़ें अपनाओगे बहुत जल्दी आपका फुल बॉडी फैट लॉस होगा इस तरह की एक्सरसाइज करके और जो मैंने बताया उस तरह का खाना खा के। डाइटिंग इसमें कहीं भी नहीं आपको दिखेगी, और एक्सरसाइज भी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई ज़्यादा टफ बताती हूँ, सिंपल सी एक्सरसाइज होती हैं। बिगनर हैं, हैवी वेट वाले हैं, एज ग्रुप वाले हैं, उनको थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा कि कैसे करें कैसे करें, 2-3 दिन तक थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, फिर आदत हो जाएगी आपकी बॉडी को, आप अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर पाओगे और काफ़ी हेल्दी रहोगे, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी और वेट तो कम होगा। तो गाइज़ आप ज़रूर बताना मेरा आज का बताया हुआ वर्कआउट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। बाय बाय।